हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिले में एक और अनाज घोटाला बेनकाब। एक और नया अनाज घोटाला सामने आया है। पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए काला बाजार में जाने वाला सरकारी गेहूं और चावल को मुकरमाबाद की हदूद से जब्त किया है। ये कार्रवाई पीर के रोज 4 बजे के करीब मुकरमाबाद से उदगीर रोड पर क्राइम ब्रांच की टीम ने की है। मौसिल इतला के मुताबिक मुकरमाबाद में सरकारी अनाज गोदाम के मधुलकर अनाज की फराहमी के ठेकेदार बालाजी के साथ मिलकर अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे। वो गोदाम से अनाज सस्ती अनाज की दुकान पर भेजते थे, ताहम ये अनाज सस्ती अनाज की दुकान पर नहीं गया बल्कि बराह रास्त ब्लैक मार्केट चला जाता था। पुलिस की कार्रवाई की वजह से इस घोटाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 टेम्पो के साथ 8.5 लाख अनाज भी कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर को इत्तला मिली कि गरीबों के हिस्से का सरकारी गेहूं और अनाज ब्लैक मार्केट में फरोख के लिए भेजा जा रहा है। इस पर इन्होंने मुकरमाबाद इलाके में नाकाबंदी की और 2.25 लाख रुपये मालियाती अनाज और 2 टेम्पो में ले जाते हुए जब्त कर लिया। बताया गया कि 2 टेम्पो में 1,20,000 मालियाती 60 कुंटल गेहूं और 1 लाख रुपए मालियाती 50 कुंटल चावल था। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर अमूल काशीनाथ और सैयद नहमत अली सैयद अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ठेकेदार बालाजी और गोदाम के माधुलकर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार दोनों मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने इन्हें 3 सितंबर तक पुलिस तहवील में दे दिया है। परभनी से फरार कोरोना कैदी नांदेड़ पुलिस की गिरफ्त में। परभनी शहर में घरेलू गैस की कालाबाजारी। परभनी में पेट्रोल पंप के खरीद क्लीनर की मौत, 9 घंटे बाद इंतजामिया जायवाके पर पहुंची। लुटेरों का गुरो पिंपरी और चिंचोड़ पुलिस की गिरफ्त में। भिवंडी में मलबे में दबे 3 मजदूरों को बाहिफाजत निकाला गया। नागपुर में 2 मासूम की तालाब में डूबने से मौत। मुंबई में बीमार बच्चे के पेट पर गरम सलाख से चटके देने के मामले में पुलिस ने भोंदू बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया। नासिक में होटल पर छापा, लाखों रुपए की शराब जब्त। जालना में किरदार शक, बीवी और मासूम बेटी का कत्ल, मुल्जिम शौहर गिरफ्तार। मुल्क में पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर पाबंदी। तमिलनाडु में 7 सितंबर से पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी। परभनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3,109 के पार, अब तक 140 की मौत। बुल्ढाना में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 974 के पार, अब तक 49 की मौत। लातूर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 8,427 के पार, अब तक 288 की मौत। अवधमहल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3,601 के पार, अब तक 90 की मौत। वाशिम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1,862 के पार, अब तक 34 की मौत। अकोला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 4,142 के पार, अब तक 159 की मौत। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़।
और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।